हाइजेंस प्रिंसिपल को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहला पॉइंट इनका ये कहता है ऑल द पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू सेकेंडरी सोर्स। इन्होंने बताया कि जितने भी इस पे पार्टिकल हैं किसी वेव फ्रंट पे, जैसे ये 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 सारे पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? न्यू सोर्स की तरह। ठीक है, अब जब नए सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये सब लाइट वेव इमिट करेंगे। क्यों भाई? तो इन्होंने कहा कि ऑल द पार्टिकल्स अराउंड अ सोर्स प्रेजेंट एट अ वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक न्यू सोर्स ऑफ लाइट एंड दे इमिट्स द लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वो क्या करते हैं, यहां से लाइट वेव फिर से इमिट करते हैं। इसका मतलब इसने ऐसे ऐसे सब चारों तरफ वेव प्रोड्यूस की थी, वो ये सारे पार्टिकल अब क्या करते हैं, अपनी अपनी एक वेव प्रोड्यूस करने लगते हैं। किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये सारे जो पार्टिकल हैं वेव फ्रंट पे वो सब एज ए सोर्स ट्रीट करते हैं और सब एक एक वेव अपनी प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी माना कि ये जो सेकेंडरी सोर्स बन रहे हैं, इस इन सोर्स को इन्होंने क्या बोला, सेकेंडरी सोर्स बोला, और इन सोर्स से जो लाइट वेव का इन्होंने इमिशन माना, इनको इन्होंने माना कि ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट होते हैं। क्या होते हैं? ये सेकेंडरी वेवलेट। इसीलिए हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट भी बोला जाता है। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो इन्होंने कहा कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं ये सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं जिस स्पीड से प्राइमरी वेवलेट ट्रेवल कर रही थी। मतलब यहां से जो लाइट वेव निकली थी वो क्या थी, वेवलेट्स, और उन वेवलेट्स से यहां पे बना एक वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या करता है, एज ए सोर्स बिहेव करता है और वो एक वेव फिर से क्या करता है, सारे पार्टिकल वेव अपनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस वेव प्रोड्यूस करते हैं और सबसे बड़ी बात है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन करते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ ऑल वेव्स या स्पीड ऑफ ऑल सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेवलेट जो प्रोड्यूस हुई इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं विद द सेम स्पीड एट द ओरिजिनल वेव। जो ओरिजिनल वेव यहां से प्रोड्यूस हुई थी उसी स्पीड से ये आगे बढ़ती। ठीक है, एंड दिस सोर्स आर प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट, और यहां से जो ये सोर्स वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल। इसका मतलब सेकेंडरी जो सोर्स है वो कहीं पर सेकेंडरी सोर्स सिलिंड्रिकल या प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस नहीं करता, सेकेंडरी सोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि इस सेकेंडरी वेव फ्रंट से प्रोड्यूस होने वाली सेकेंडरी वेवलेट की जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनका जो इनवेलप बनेगा, इनवेलप का मतलब इन पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो फिर से एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बना देगा, वहां से फिर से सेकेंडरी सोर्स बनेंगे, फिर से आगे लाइट वेव प्रोड्यूस। बच्चों, हाइगेंस जी का जो प्रिंसिपल था इसके बिहाफ पर इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाया, क्या इन्होंने एज्यूम्पशन किए, किस तरीके से इन्होंने समझाया, हम सब समझने वाले हैं। बच्चों, बेसिक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मालूम है कि अगर कोई भी लाइट किसी शाइनिंग और स्मूथ सरफेस पर गिरती है, अगर ये लाइट रे है किसी शाइनिंग या स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो बेसिक लॉ फॉलो होने चाहिए। पहला, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अगला, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल मीन्स आई इज इक्वल टू आर। इसका मतलब अगर 30 डिग्री नॉर्मल से कोई लाइटें आती है तो 30 डिग्री पे ही चली जानी चाहिए।
स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाइगेंस जी ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये देखते हैं। तो हाइगेंस जी ने बताया कि अगर कोई एक प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है बच्चों, प्लेन सरफेस, ठीक है, और इन्होंने कहा और इस प्लेन सरफेस पर कोई एक वेव फ्रंट गिर रहा है, मान लीजिए तेरे ये एक वेव फ्रंट जो इस पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है बच्चों, क्योंकि इन्होंने वेव को वेव फ्रंट की तरह देखा था। इन्होंने कहा कि जो लाइट चलती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट चलती है, ठीक है। मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है, इसका मतलब जब इधर से लाइट आ रही थी तो यहाँ एक प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन, ये इन्होंने बताया ना कि सारे वेव फ्रंट बनते जाते हैं और सेकेंडरी वेव्स चलती जाती हैं, तो इन्होंने माना कि ऐसे लाइट वेव आ रहे हैं। आपको पता है कि इनका जो एज्यूम्पशन था उसमें इन्होंने क्या माना था कि लाइट वेव्स आर ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, इसका मतलब लाइट वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द पॉइंट एट द वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं ऑल बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स, ये कैसा बिहेव करते हैं, सेकेंडरी सोर्स तरह बिहेव करते हैं और सब अपनी वेवलेट बाहर निकालते हैं। अगर हम ये सपोज कर लें इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वी है, ठीक है, और ये वेव फ्रंट है जिसका नाम ए बी है, तो बी वेव फ्रंट से चलने वाली लाइट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचने में अगर टी टाइम लगता हो, यहां से जो लाइट निकलेगी सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा, यहां से जो भी लाइट वेव निकलेगी उसको इस प्लेन तक पहुंचने में मान लीजिए कितना टाइम लगता है, टी टाइम, तो टी टाइम में ये वेव यहां तक पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सोचिए इस पॉइंट को हम लोग ए डैश कह दें जहां पे लाइट वेव पहुंची है, ठीक है, तो बी से ए डैश तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, टी टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, बी ए डैश, तो कितनी हो गई होगी, वी टी, कितनी हो गई होगी, वी टी। अब अगर यहां से हम एक आर्क लगा दें, यहां से हम एक क्या करें बच्चों, आर्क ऐसा खींचते हैं, यहां से ऐसे लिया, ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब हमको यह सोचना चाहिए कि यहां से निकलने वाली लाइट वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इन्होंने कहा कि जब ये वेव फ्रंट था इसका हर पार्टिकल एज ए सोर्स कीट कर रहा था, तो अगर हम देखें कि अगर बी से चलने वाली जो वेवलेट थी वो ए डैश पॉइंट तक पहुंच गई, तो ए से चलने वाली वेवलेट कहां तक पहुंची होगी, तो भाई यहां से जब इसने सोर्स तरह बिहेव किया होगा तो चारों तरफ वेवलेट प्रोड्यूस की होंगी, तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो टी टाइम में ये वेवलेट भी कुछ इस तरह से ऐसे कितनी डिस्टेंस पहुंची होंगी, वी टी डिस्टेंस, ठीक है। अब वो लाइट रे बनेगी कैसे जो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो देखिए हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ये कहता है टेंजेंट ड्रॉन ऑन द वेवलेट्स प्रोड्यूस एन अदर वेव फ्रंट, तो यहां पे इन वेवलेट्स पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट एक और वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इन वे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये एक और वेव फ्रंट बन जाएगा, इन वेवलेट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये एक और वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब यहां वाली जो लाइट इंसिडेंट हुई थी ए, उससे जो इस सोर्स से जो लाइट वेव निकली मीन्स यहां से जो रिफ्लेक्टिंग वेव गई वो कुछ इस तरीके से गई होगी, ठीक है। अब फिर ये सब सोर्स तरह बिहेव करेंगे, फिर ये लाइट वेव प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से लाइट आगे चली जाए। बच्चों हमको इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि यहां से ये आई एंगल पे इंसिडेंट हुई थी लाइट वेव, यहां से नॉर्मल अगर हम ड्रा कर दें तो उससे ये आज पर चली गई, ठीक है। अब देखिए हमको दो लॉ प्रूव करने हैं, पहला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, दूसरा आई इज इक्वल टू आर,
तो देखिए बच्चों, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे बी डैश कह दें तो आपको एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि एंगल बी और एंगल बी डैश क्या होंगे, सेम होंगे। बच्चों अगर ये एंगल आई है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए ये टोटल एंगल पूरा कितना बनना था, ये पूरा एंगल कितना था 90। क्यों? क्योंकि वेव जो चलती है, जो लाइटें चलती है वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रेवल करती है, ये परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रेवल करती है, इसलिए एंगल क्या था 90। अब सोचिए जब ये पूरा एंगल 90 था तो ये छोटा वाला एंगल कितना बचेगा, छोटा वाला, तो ये एंगल बचेगा हमारे पास 90 माइनस आई। क्यों? पूरा 90, ये आई चला गया तो क्या बचा 90 माइनस आई। जब ये 90 माइनस है, अब देखिए नॉर्मल था तो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल पूरा इस पे 90, तो ये नीचे वाला कितना बचेगा, ये 90 माइनस आई मीन्स ये बचेगा आई। सेम ऐसे बच्चों अगर ये वेव फ्रंट था, इससे लाइट वेव निकली है तो लाइट वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, इसका मतलब ये वाला एंगल पूरा क्या होगा 90। जब ये एंगल आर है और ये देखिए 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा ऊपर में छोटा सा, ये वाला, ये बचेगा 90 माइनस आर। क्यों? क्योंकि टोटल 90 था, आर चला गया तो बचा कितना 90 माइनस आर। अब देखिए जब ये 90 माइनस आर, अब ये फिर परपेंडिकुलर है सरफेस पर, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 माइनस आई उधर चला गया तो नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस आर से को घटा देंगे 90 में से, तो ये बचेगा आर। इसका मतलब 90 माइनस आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इस एंगल को हटा दें यहां से, क्योंकि इनकी हमको कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, हमको I इज इक्वल टू आर प्रूव करना है। बच्चों इंटेंगल ए बी ए डैश कौन सा, ये वाला इंटेंगल, ठीक है, एंड ए ए डैश बी डैश, ए ए डैश बी डैश, ये वाला इंटेंगल, ठीक है। इसमें देखिए तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल बी डैश हो रहा है, क्यों भाई, दोनों एंगल सेम है, कितने हैं 90, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए B से निकलने वाली वेवलेट कितनी डिस्टेंस गई थी, VT डिस्टेंस, उतने ही टाइम में हमने VT का आर्क लगा के यहां पे भी ये लेंथ ली थी, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी VT और ये भी VT, इसका मतलब BA डैश जो है वो AB डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो VT के बराबर, ठीक है, और AA डैश साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, ए डैश क्या होगी कॉमन, ठीक है। इससे हमको साफ साफ पता चल गया कि ट्रायंगल ए बी ए डैश इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ए डैश बी डैश, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी ए डैश जो है वो कांग्रुएंट है किससे, ए ए डैश बी डैश से। इसका सीधा सा मतलब है आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा, मींस ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बाय सी पी सी टी, ये किससे हो गया बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी ए डैश ए बी डैश ए डैश क्यों कांग्रुएंट हुए, क्योंकि एक एंगल 90 था और दो साइड इक्वल हो गई, जब एक एंगल 90 हो दोनों में, एक एक एंगल और दो साइड इक्वल हो जाए तो वो कांग्रुएंट हो जाते हैं, कांग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट एंगल आर सेम, दैट्स व्हाई आई इज इक्वल टू हो गया हमारे पास आर। बच्चों अब इसके बाद एक और ला हमें प्रूव करना था, क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन, देखिए उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, देखिए ये वेव फ्रंट था तो ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस था इस पर ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तो इस पर ये ऐसे गई, आर लाइज इन सेम प्लेन, देखिए
ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। देखो वेव फ्रंट का इंसिडेंट एंगल था और यहाँ पे वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड, तो आई और आर सेम होने का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट रिमेन्स सेम, ये भी हम कह सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। थैंक यू।